हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? और आप सोच रहे होंगे कि आज मैम हमको कौन से अक्षर की कहानी सुनाएंगी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी उ अक्षर की कहानी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दो भाई बहन थे, उदित और उर्वशी। उर्वशी उम्र में बड़ी थी। एक दिन क्या हुआ, सूर्य उदय हुआ, सब जगह उजाला फैला, लेकिन उदित और उर्वशी दोनों सो रहे थे। ये देख के मम्मा ने कहा, उफ, अभी तक ये दोनों उठे नहीं हैं। मम्मा ने दोनों को उठाया और दोनों उठ गए। फिर जल्दी से रेडी हो के नाश्ता करने लगे। पता है नाश्ते में क्या था? नाश्ते में था उपमा। उपमा देखकर उर्वशी उदास हो गई, क्योंकि उसको उपमा पसंद नहीं था, लेकिन तब पर भी उसने उपमा खा लिया, क्योंकि उसको उपवन जाना था खेलने के लिए। फिर उदित और उर्वशी दोनों ने उपमा खाया और खेलने के लिए चले गए। उपवन में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे हुए थे, पंछी उड़ रहे थे, दोनों ने पतंग उड़ाई। तभी क्या हुआ पता है, एक चींटी पानी में डूब रही थी। उदित को उसकी मदद करनी थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो मदद कैसे करे। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने पेड़ की पत्ती तोड़ी और पानी में डाल दी। फिर क्या हुआ पता है, चींटी पत्ती के ऊपर आ गई और उसकी जान बच गई। ये सब ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ उल्लू देख रहा था। उल्लू भी बहुत खुश हो गया और उदित और उर्वशी भी बहुत खुश हो गई। चींटी ने उदित को थैंक यू कहा। उदित और उर्वशी दोनों खुश हो गए। उसके बाद दोनों घर आए। घर आए तो उन्होंने क्या देखा पता है, उन्होंने देखा कि उनके दादा और दादी जी उज्जैन से आए हुए थे। दोनों दादा दादी के गले मिले। फिर दादा और दादी ने दोनों को उपहार दिया और दोनों फिर बहुत खुश हो गए। दूसरे दिन दादा दादी और उदित उर्वशी मेला देखने गए। मेले में दोनों उड़न खटोले में बैठे, उनको बहुत मज़ा आया। उसके बाद सब मिलकर सर्कस देखने चले गए। सर्कस में एक जोकर उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। फिर सब घर आ गए। फिर उदित ने पता है क्या कहा, उदित ने कहा, आज का दिन तो मेरा सबसे अच्छा दिन था। तो ये थी उ अक्षर की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो इस कहानी के अंदर हमने उ अक्षर के कौन कौन से शब्द सीखे, चलिए देखते हैं। उ उपवन, उ उपहार। इस कहानी के अंदर और भी शब्द है, वो आपको ढूंढना है और मैं आपको बताना है। अब देखते हैं उ अक्षर को लिखा कैसे जाता है। कर, वन मोर कर, स्लीपिंग लाइन, ये बन गया हमारा उ।